हिंदी सिनेमा ने हमें कई बेहतरीन कलाकार दिए हैं जिन्होंने अपनी कला और अभिनय का एक बेजोड़ नमूना दर्शकों के सामने पेश किया है, जिसके लिए दुनिया उन्हें आज भी याद करती है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे हिंदी सिनेमा की 40 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री देविका रानी के जीवन से हमारे इस खास कार्यक्रम वो सुहाने दिन में। श्याना हो जाएगा चुनमुन से पवन लावेगा, मुन्ना श्याना हो जाएगा चुनमुन से पवन लावेगा। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौर में ही हर किसी के दिल में अपनी छाप छोड़ी, जिसके लिए लोग आज भी उन्हें दिल से याद करते हैं। दोस्तों, देविका रानी को भारत की पहली अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को लेकर समाज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देते हुए हिंदी सिनेमा में नए मूल्यों और मान्यताओं को स्थापित किया था। देविका का जन्म 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में हुआ। उनके पिता कर्नल मनमथा नाथ चौधरी मद्रास शहर के पहले सर्जन थे। महज 9 साल की उम्र में ही स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद नाट्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो लंदन चली गई, जिसके कारण उनका अधिकांश बचपन लंदन में ही बीता। वहां से जब पर्याप्त शिक्षा हासिल करके वो वापस अपने वतन लौटी, तब उन्होंने इस बात का निश्चय किया कि अब वो फिल्मों में ही काम करेंगी। लेकिन उनके परिवार वाले इस बात के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन दिनों लड़कियों को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं होती थी। उन्हें घर में ही रहकर घर के कार्यों में निपुण बनाया जाता था। लेकिन देविका ने इस बात को ठान लिया था कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है। Exactly. But your people, the traditions of Sitapur, where hunting has never been known. I know, but I have arranged the hunt for the morning after the annual festival, when everyone will be in a good humor. In any case, my people will obey me. And your priests? And are the priests my people also? Certainly. But you may be straining their loyalty. उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हिमांशु रॉय से। हिमांशु उनकी सुंदरता के कायल हो गए और उन्होंने देविका को अपनी फिल्म कर्मा के लिए अप्रोच किया। देविका इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। फिल्म में हिमांशु खुद बतौर हीरो किरदार निभा रहे थे। दोनों ने इस फिल्म में लगभग 4 मिनट लंबा किसिंग सीन दिया। दौर में इस तरह का सीन करना बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए उन्हें कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा और इतना ही नहीं, उनकी फिल्म को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद देविका और हिमांशु ने आपस में शादी कर ली और दोनों मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद दोनों ने बॉम्बे टॉकीज बैनर का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने फिल्म जवानी की हवा बनाई और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल साबित हुई। मेरा मुन्ना! हट पगले! नहीं, ये मेरा मुन्ना नहीं, मेरा मुन्ना कहाँ गया? मेरा मुन्ना
साल 1936 में आई फिल्म अछूत कन्या देविका के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में उनके अभिनय को आज भी हर कोई तारीफ भरी नजरों से देखता है। फिल्म में अशोक कुमार ने एक उच्च जाति के युवक की भूमिका निभाई थी, जिसे एक अछूत जाति की लड़की से प्यार हो जाता है। ये देवी थी। हाँ, देवी। जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी, इसकी जीवन कथा एक पुण्य कथा है, जिसके सुनने और सुनाने से आत्मा को शांति मिलती है। शांति तो हमें भी सुना दीजिए। फिल्म अछूत कन्या के बाद उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा की उपाधि प्राप्त हुई। इस फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर कर दिया। अगर सही मायनों में देखा जाए तो भारतीय सिनेमा की पहली ड्रीम गर्ल देविका रानी ही थी। इसके बाद उन्होंने इज्जत, मेला, निर्मला, शहीद और किस्मत जैसी लोकप्रिय फिल्मों में काम किया। सबको खूब खिला पिला ले। वारी, इत्ते का क्या होगा? इतनी बढ़िया चीज जे दे देना। नहीं नहीं बिंदी, इसे कैसे दूं? साल 1940 में पति हिमांशु के निधन ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं मानी और इसके बाद भी बॉम्बे टॉकीज को लगातार आगे बढ़ाती रही। अशोक कुमार, मधुबाला, दिलीप कुमार जैसे कई दिग्गज कलाकार बॉम्बे टॉकीज में काम कर चुके हैं। साल 1945 में देविका ने एक रूसी चित्रकार से शादी कर ली और दोनों मुंबई से बैंगलोर चले गए। देविका रानी को फिल्म जगत में अपने योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से साल 1958 में पद्मश्री और साल 1970 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। देविका दादा साहेब फाल्के जैसे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान को पाने वाली पहली अभिनेत्री थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ा और 9 मार्च 1994 को इस अजीम अदाकारा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज ये खूबसूरत अदाकारा तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी हिम्मत और प्रयासों से ही आज औरतों को हिंदी सिनेमा में इतनी तवज्जो मिली है, जिसके लिए इनका हर कोई आभारी रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।